Dear students, Assalamu alaikum. In this section, we are going to create an inventory item. An inventory item is basically those goods which you purchase with an intent to use within your own company for manufacturing another product, or which you intend to sell eventually to your customers. इन्वेंट्री आइटम वो आइटम है जो आप किसी सप्लायर से इस नीयत से लेते हैं कि उससे आप इस्तेमाल करके अपने पास कोई चीज़ मैन्युफैक्चर करेंगे, या वो आइटम चूँकि आप अपने कस्टमर को बेच देंगे। जब भी ये इन्वेंट्री आइटम आपके पास आएगी तो दिस इज़ गोइंग टू बी पार्ट ऑफ योर एसेट्स। इसकी एक बाइंग प्राइस होगी और इसकी एक सेलिंग प्राइस होगी। जब ये आएगी तो इन्वेंट्री में जाएगी, और जब ये सेल कर दी जाएगी, ये इस्तेमाल हो जाएगी, तो इसका एक एक्सपेंस होगा जो हम अकाउंटिंग में नोट करेंगे। और जो डिफरेंस है इसकी बाइंग एंड सेलिंग की, वो एक मार्जिन है जो आपका प्रॉफिट है। वो कैसे आता है ये हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे, लेकिन आप लोग गूगल करें और सर्च करें और देखें कि प्रॉफिट किस तरह से क्रिएट होते हैं। फॉर आवर पार्ट इन दिस सेक्शन वी आर गोइंग टू क्रिएट एन इन्वेंट्री आइटम इन क्विक बुक्स and see what and how it affects the QuickBooks. Let's go over to our QuickBooks. QuickBooks में होम पेज के ऊपर ड्रॉप डाउन मेन्यू है लिस्ट का। जब आप लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में यू हैव टू सेलेक्ट आइटम लिस्ट। जैसे ही आपने आइटम लिस्ट किया, बहुत सारी चीज़ें आपके सामने नज़र आना शुरू हो गई हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि टाइप ऑफ आइटम्स हमारे पास किस टाइप के हैं, जिसमें इन्वेंट्री पार्ट है और जिसमें सर्विस है। अगर आपको याद हो कि पिछले लेक्चर में हमने कहा था कि हमारे जो आइटम्स हैं उनकी बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन वो आइटम्स जो हम अपने कस्टमर्स को सेल करते हैं वो बेसिकली दो हैं, एक सर्विस और दूसरा प्रोडक्ट या गुड्स। इनको हम इन्वेंट्री आइटम या सर्विस आइटम कहते हैं। इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डील विथ इन्वेंट्री आइटम ओनली। सब्सिक्वेंटली इन later lectures we are going to create service items, but for this lecture we are going to add another inventory part to our list. इस लिस्ट में आप देख सकते हैं एट द बॉटम ऑफ द पेज ड्रॉप डाउन मौजूद है जिसका नाम है आइटम्स। क्लिक करें एंड चूज़ न्यू। आपके पास ये स्क्रीन सामने आ जाएगी, और हमने क्योंकि इन्वेंट्री आइटम क्रिएट करना है तो आपने यहाँ चूज़ करना है इन्वेंट्री पार्ट। इस इन्वेंट्री पार्ट का आपने एक नाम देना है, और वो नाम रेलिवेंट इस तरह से होना चाहिए कि एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड यू कैन सर्च फॉर इट, सेलेक्ट इट एंड यूज़ इट। क्योंकि ये हार्डवेयर की दुकान है, इसलिए हम यहाँ जो आइटम दे रहे हैं डोर हैंडल। अब ये नाम हमारी कंपनी का नाम है इस आइटम के लिए, लेकिन हम जिस वेंडर से ये चीज़ ख़रीद रहे हैं उसके पास भी इस टाइप ऑफ प्रोडक्ट का एक नंबर या नाम होगा, और हमें चाहिए हमेशा कि हम अपने वेंडर या सप्लायर का भी मैन्युफैक्चरिंग कोड या आइटम कोड ज़रूर फीड करें रेफरेंस के लिए। क्योंकि जब भी हमने अपने वेंडर को ऑर्डर देना है, हमने उस वेंडर का रेफरेंस नंबर इस्तेमाल करना या आइटम कोड इस्तेमाल करना। ये वो मॉडल नंबर है जो हमारा सप्लायर अपने इस आइटम को देता है। नेक्स्ट, जब भी ये सेल होगा इसकी जो एक्सपेंस है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में जाएगी। इसकी कॉस्ट हम लिखेंगे कि इस रेट पे ये चीज़ हमें मिलती है। ये चीज़ हमें 1000 रुपये में मिलती है, और इसकी सेलिंग प्राइस है 1500 रुपये। अब सिस्टम हमसे पूछ रहा है कि आप हमें ये बताएं कि जब हम ये चीज़ सेल करेंगे तो हम किस अकाउंट में इसको रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि ये मटेरियल है। इसलिए अगर आप इसे क्लिक करें तो आप ऊपर देख सकते हैं मटेरियल इनकम यहाँ दिया गया है, और हम इसको मटेरियल इनकम में रजिस्टर किया करेंगे, रिकॉर्ड किया करेंगे व्हेनेवर दिस इज़ अवेलेबल टू अस। एंड ऑफ द पेज आपको जो इन्फॉर्मेशन दी गई है ज़रा उस पर गौर कीजिए। यहाँ लिखा हुआ है दिस इज़ गोइंग टू बी एन एसेट अकाउंट, और इन्वेंट्री एसेट में जाया करेगी, क्योंकि जब भी हम ये चीज़ ख़रीदेंगे इसकी एक वैल्यू है और ये हमारा एसेट है, इसलिए ये हमेशा एसेट इनकम में जाएगी और वहीं पे पार्क हुआ करेगी। इस वक्त हमने ये चीज़ नहीं ख़रीदी हुई क्योंकि हम पहली दफ़ा इसे रजिस्टर कर रहे हैं। क्योंकि हमने ये ख़रीदा नहीं है तो यहाँ इसमें ऑन हैंड 0 और टोटल वैल्यू 0 नज़र आ रही है। इस पे हमने अभी कोई मिनिमम या मैक्सिमम रीऑर्डर पॉइंट सेट नहीं किया हुआ। ये भी हम सब्सिक्वेंटली सेट करेंगे एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, और जब हमारे पास इसकी सेलिंग की फीडबैक आना शुरू हो जाएगी कि ये कितने मकदार में सेल होती है। प्रिफर्ड वेंडर भी हम दे सकते हैं, लेकिन इस वक्त हम नहीं दे रहे। लेकिन आम तौर पे आप प्रिफर्ड वेंडर वही देंगे जिसका मैन्युफैक्चरिंग पार्ट नंबर आपने ऊपर दिया हो। ये वेंडर टू वेंडर, सप्लायर टू सप्लायर पार्ट नंबर चेंज हो सकता है, लेकिन हमने अपने प्रेफर्ड वेंडर का ही पार्ट नंबर देना है। Once you have filled all this information, this means that you are ready to accept this inventory part in your inventory. अब हमारे पास एक नया inventory part आ गया है जिसका नाम है door handle। अब door handle जो है हम ख़रीद भी सकते हैं और sell भी कर सकते हैं। ख़रीदेंगे हम किससे? हमेशा हम सप्लायर या वेंडर से ख़रीदेंगे, और सेल किसे करेंगे? सेल हमेशा हम अपने कस्टमर्स को करेंगे। सेल करने के भी हमारे पास एक से ज़्यादा तरीक़े हैं। हम सिर्फ़ और सिर्फ इसको सेल कर दें एज एन आइटम, ये हमारे पास इन्वेंट्री में पड़ा हुआ है, और हम इसे उठा के अपने वेंडर को बेच दें। दूसरा तरीक़ा ये है कि हमने एक कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट लिया हुआ है, उसमें हम इसको इस्तेमाल कर लें। इन बोथ केसेस वी आर गोइंग टू गेट और अर्न इनकम फ्रॉम आवर कस्टमर्स। पहले केस में इसे हम एज अ गुड्स, एज अ प्रोडक्ट अपने कस्टमर को दे रहे हैं, और दूसरे केस में एज अ सर्विस अपने कस्टमर को दे रहे हैं। लेकिन हमारी प्रोडक्ट ये एक मौजूद है, एक इन्वेंट्री आइटम है विच इज़ बेसिकली अवेलेबल इन आवर वेयरहाउस। वहाँ ये मौजूद है, इसकी कीमत है, हमने इसकी कीमत भी नोट कर ली है और इसकी सेलिंग प्राइस भी नोट कर ली। दैट डज नॉट मीन दैट यू कैन नॉट चेंज द सेलिंग प्राइस एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि सेलिंग प्राइस हम बढ़ा या घटा नहीं सकते एट द पॉइंट ऑफ सेल, लेकिन हम ये ज़रूर करते हैं कि हमारे पास एक रेफरेंस सेलिंग प्राइस हमने पहले ही सेट कर दी है। आइए देखते हैं कि ये हम वेंडर से कैसे ख़रीद सकते हैं। तरीक़ेकार वेंडर से ख़रीदने का है कि हम उसका एक बिल बनाएं, और हम आइटम वो चूज़ करेंगे जो अभी हमने अपने पास रजिस्टर किया है। नाउ वी हैव दैट आइटम लिस्टेड ऑन आवर बिल। क्वांटिटी हम डाल देते हैं, हमने उससे 1000 डोर हैंडल ख़रीद लिए हैं, उसकी अमाउंट बन गई है, एंड वी आर गोइंग टू सेव एंड क्लोज दिस। जैसे ही हमने ये बनाया, ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास सेव हो गई है। इसको चेक करने का आसान तरीक़ा ये है कि हम वेंडर के पास जाएं और चेक करें कि हमने ये बिल बनाया है या नहीं। आप क्लिक करेंगे, ये वही बिल है जो अभी हमने बनाया है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास इस डोर हैंडल के 1000 पीस इन्वेंट्री में आ गए हैं, एंड फॉर दैट वी हैव टू पे 1,000,000 रुपीज़ टू द सप्लायर और वेंडर। अब हमारे रिकॉर्ड में दो चीज़ें आ गई हैं। एक हमारे रिकॉर्ड में आ गया है तादाद उस इन्वेंट्री आइटम की जो हमने ख़रीदी है, और दूसरा हमारे रिकॉर्ड पे आ गया है वो अमाउंट जो हमने इसके एवज अपने सप्लायर और वेंडर को देनी है। सो नाउ यू नो हाउ टू ऐड एन इन्वेंट्री आइटम in the list and how to add inventory into your inventory items। मतलब ये हुआ कि हमने पहले एक आइटम बनाया और उसके बाद उसकी ख़रीदने से उसकी तादाद अपनी इन्वेंट्री में इंक्रीज़ की है। इन नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू सी हाउ टू क्रिएट अ सर्विस आइटम।